नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपके सामने एक वर्टिकल एच लाइन जो आते हैं हमारे टीवी में, एच लाइन का जो फॉल्ट आता है खासकर वीडियोकॉन और ओनिडा के टीवी में, तो आपको इस टीवी में ज़्यादातर आपको एच लाइन का फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि एच लाइन आ रहा है, एच लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। तो ये एक अल्ट्रा स्लिम टीवी है, अल्ट्रा स्लिम, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड में लिखा है अल्ट्रा स्लिम। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्ट्रा स्लिम लिखा हुआ है, अल्ट्रा स्लिम 200 ऐसा लिखा हुआ है। तो एक अल्ट्रा स्लिम है, ओनिडा कंपनी का है। तो प्रॉब्लम यही है कि एच लाइन आ रहा है, तो इसको आज हम लोग रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि क्या कंपोनेंट ख़राब निकलता है। सबसे पहले मैं टीवी को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम है। टीवी ऑन कर दिया हूँ, अब इसे आप देख सकते हैं एक लाइन आ गया है। ये लाइन आके प्रोटेक्शन में चला गया, मतलब इस टीवी में ऐसा है कि अगर कुछ भी खराबी रहेगा कोई भी सेक्शन में या कुछ भी खराबी रहेगा तो चालू होके स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन में जाना। टीवी जो हमारा है वो प्रोटेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि जब टीवी में सर्किट पूरी तरह से क्लोज नहीं रहेगी या फिर कोई फॉल्ट रहेगा तो वो प्रोटेक्शन में जाता है। अगर सारे वोल्टेज सही तरीके से खर्च होते रहेंगे तो प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा, तो टीवी कंटिन्यू ऑन रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एच लाइन आ रहा है, इसीलिए ये टीवी प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं इसको रिपेयर करने के लिए और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सबसे पहले मुझे टीवी को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ टीवी को ओपन करता हूँ। टीवी ओपन हो गया है, तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को थोड़ा सा बाहर खींचते हैं हल्का सा, और जो भी कनेक्टर लगा है उसको रिमूव करते हैं। आराम से रिमूव करना है। साउंड का कनेक्टर है, ये हमारा डिगोजिंग का है और ये पावर का है। तो धीरे धीरे मैं सर्किट को बाहर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऐसा फिजिकल डैमेज दिख रहा है हमको जिससे हम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी हमको यहाँ से धीरे सर्किट को देखना है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो कि मुझे दो चार जो कैपेसिटर हैं वो मुझे खुले हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन, तीन कैपेसिटर फूका हुआ है और एक यहाँ पर है अंदर साइड में, चार। और ये सभी वर्टिकल सेक्शन के ही है, ये जो कैपेसिटर है वो वर्टिकल सेक्शन के सप्लाई में लगे। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बिना कोई वोल्टेज चेक किए सबसे पहले मैं इसको ही रिप्लेस कर देता हूँ, अगर हो सकता है मेरा टीवी सही हो जाए। अगर नहीं सही होता है तो फिर हम लोग वोल्टेज चेक करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ही रिप्लेस करने का काम करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमको पहले दिख रहा है पहले वो करना ज़रूरी है। तरह से आप देख सकते हैं टीवी ओपन हो चुकी है। तो कैपेसिटर का फिजिकल स्टेटस कहाँ पर लगा हुआ है फिजिकली वो हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 ये तीनों कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और दूसरा कहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ये है सॉरी ये है, और तीसरा किधर लगा हुआ है, तीसरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये तीनों कैपेसिटर है और एक वर्टिकल सेक्शन में लगा हुआ है। ये वाला जो कैपेसिटर है आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला जो कैपेसिटर है वो देखते कहाँ पर लगा हुआ है, ये ठीक वर्टिकल सप्लाई पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल सप्लाई पे लगी हुई है। तो ये सबको सबसे पहले मैं वन बाई वन करके चेंज करता हूँ सभी कैपेसिटर को। चलो जो कैपेसिटर लगा हुआ है पहले से पहले हम उसको ओपन कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, इसको ओपन कर देता पहले।
कौन सा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ पर आ गया निकल के। इसका वैल्यू क्या है, 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट है, आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। थाउजेंड माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा फूक गया है। तो मैं इसको साइड में करता हूँ, एक कैपेसिटर निकल गया है। दूसरा देखते कहाँ पर लगा है, दूसरा ठीक इसके बाजू में ही है। दूसरा ठीक इसके बाजू में ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ इस तरीके से। ये है वो कैपेसिटर, ये भी वही वैल्यू है। अब इसको 1025 वोल्ट, तो इसको भी साइड में रख लेता हूँ। तो कैपेसिटर सिमिलर है, इसके पैड को साफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि कंपोनेंट लगाते समय हमको इजी पड़े। तीसरा जो कैपेसिटर है वो ठीक इसके बाजू में ही है, वो भी इस तरह से। तीसरा कैपेसिटर भी बाहर आ गया, ये भी ये 1016 है, 16 वोल्ट है, 1016 16 वोल्ट। इसका पैड को मैं साफ कर देता हूँ, और ये क्वार्टी को सेक्शन का था यहाँ पर, ये कैपेसिटर है, इसको मैं आराम से निकाल लेता हूँ इसको भी। सॉरी ये एहसास से किए हुए हैं, देखते हैं कौन सा है। कैपेसिटर यहाँ पर है, आप देख सकते हो कैपेसिटर ये कितना है, ये 470 25 वोल्ट है। तो जो इसके पैड को साफ कर देता हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से कंपोनेंट माउंट हो सके। अभी मुझे जो भी सोल्डरिंग ऐसा निकला हुआ दिख रहा है, मैं उसको एक बार रीसोल्डर कर देता हूँ। कोई कंपोनेंट आपको लूज दिखता है तो आप उसको रीसोल्डर कर सकते हो, ताकि ताकि लूज कंटैक्ट का कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार वर्टिकल आईसी को भी मैं लूज कॉन्टैक्ट मार देता हूँ, अगर वो भी लूज रहेगा तो भी वैसे प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल तो कैपेसिटर चेंज करेंगे हम लोग। इस तरह से तो वर्टिकल सेक्शन को आपको अच्छी तरह से सोल्डर कर देना है। इसके जो भी कंपोनेंट लगे रहेंगे ऑप्टिकल सेक्शन में, उसको आपको अच्छी तरह से आपको सोल्डर कर देना है। और आपको साइड में जो भी ऐसे आपको लगे कि ये कंपोनेंट लूज है या इसकी कॉन्टैक्ट पीसीबी से हट गए हैं, उसको भी आपको सोल्डर कर देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी हिलाने से चालू हो जाता है, और जैसे टीवी थोड़ा टाइम चलता है गर्म होने के बाद उसका कॉन्टैक्ट जो है छोड़ देता है, तो टीवी बंद हो जाता है। ऐसे केस भी आते हैं, वो सब लूज कॉन्टैक्ट के प्रॉब्लम होते हैं।
चलिए हम लोग अभी सब कंपोनेंट जो जो निकाले हैं उसके जहाँ पे न्यू कंपोनेंट प्लेस करते हैं। चलिए वन बाय वन करके सारे कंपोनेंट को हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1000 माइक्रोफेरड 35 वोल्ट है, मैंने कितने का निकाला था 25 वोल्ट का, तो 35 वोल्ट वोल्टेज ज़्यादा है चलेगा, कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा रहेगा चलेगा। चलिए इसको लगा देते हैं हमें। इस तरह से यहाँ पर है, तो आपको प्लस माइनस साइन देख के लगाना है। तो जो ये निशान बना है ये माइनस का है, यहाँ पर भी ऐसे एक निशान बना है तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस का है, यहाँ माइनस है, तो माइनस अपने जगह पर लगाते हैं। इस तरह से बैठ गया है। अभी मुझे यहाँ पर सोल्डर करने की ज़रूरत है तो सोल्डर कर देते हैं। इस तरह से सोल्डर करता हूँ इसको मैं। अब एक लेग सोल्डर हो गया है, दूसरे लेग को सोल्डर करना है। तो दूसरे लेग को भी इसी तरह से सोल्डर कर देते हैं। दोनों लेग सोल्डर हो गए हैं। अभी नेक्स्ट दूसरा कैपेसिटर डालते हैं। ये भी सेम वैल्यू है 1035, तो ये भी लगा देता हूँ मैं इसके यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। ये भी सोल्डर हो गया। अभी तीसरा कंपोनेंट ये भी है, ये भी सेम वैल्यू 1035 वोल्ट। आपको हमेशा प्लस माइनस देख के लगाना है, बाकी और कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस आप देखिए ध्यान से।
तो ये सोल्डर हो गया। अभी लास्ट कैपेसिटर 470 35 वोल्ट का चाहिए, तो ये वाला भी मैं लगा देता हूँ। अभी तो ये है 470 35 वोल्ट वो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था। टीवी लग गया, जो स्टार लाइक बच जाता है उसको आपको ऐसा घुमा के तोड़ देना है, या तो फिर कटर आपके पास रहेगा तो कटर से भी आपको कट कर सकते हो। हो गया, अभी मैं एक बार टीवी को चालू करके देख लेता हूँ कि क्या कंडीशन है, उसके बाद आपको भी दिखाता हूँ। मैं टीवी को ऑन करता हूँ, टीवी ऑन हुई है, देखते हैं क्या स्क्रीन कैसा आता है। अभी अभी भी टीवी प्रोटेक्शन में जा रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ एक बार। और अभी भी टीवी ऑन नहीं हुई है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि अभी हम लोग सारे वोल्टेज चेक कर लेते हैं किस तरह से वोल्टेज आ रहा है सेकंड साइड में और क्या प्रॉब्लम है। तो अभी टीवी को मैं ऑन कर देता हूँ वापस से। तो सबसे पहले मैं यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, सेकेंडरी साइड का जो मेन कैपेसिटर है, यहाँ का वोल्टेज आप देख सकते हो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो टीवी मेरा ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ भी क्या करना है कि ESC का सप्लाई ओपन कर देना है। तो यहाँ से मेरी जो मेरा जो सप्लाई है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। तभी देख लेते हैं कंटिन्यूटी दिखा रहा है क्या यहाँ से वहाँ तक का। इस तरह से तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो मतलब अभी ये सप्लाई ओपन हो गई है। अभी मैं वोल्टेज को एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या कंडीशन है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर 112 वोल्ट सही है। सर यहाँ पर वोल्टेज चौपस से शायद फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं सही से ग्राउंड लगा लेता हूँ एक बार। यहाँ का वोल्टेज अभी 19 है फिलहाल, तो अभी मैं स्टैंड बाई में हिसाब से तो ESC का सप्लाई मैंने ओपन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर एक मैंने एक बल्ब लगा दिया आपको सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बल्ब लगाया हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बल्ब। तो यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया, अब देख सकते हो बल्ब बंद चालू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा पावर सप्लाई जो है लोड नहीं ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 19 वोल्ट ही आ पा रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मेरा पावर सप्लाई जो है वो लोड नहीं ले पा रहा है। जो 110 वोल्ट बनना चाहिए 110 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो एक बार और वापस से ऑन करता हूँ।
मैं एक बार वापस से ऑन करता हूँ और मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पर लगा के रखता हूँ, देखते कितना वोल्ट आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ पा रहा है, तो ये फॉल्ट या तो फीडबैक लाइन में रहेगा या फिर ये पावर सप्लाई में रहेगा। अभी वो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं कि फॉल्ट कहाँ का है। तो बिफोर पावर सप्लाई से पहले चेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम हमको वर्टिकल सेक्शन का लग रहा था जब हमने टीवी ऑन किया था, तो हो सकता है वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से सेकेंडरी साइड डायरेक्ट कनेक्शन दिया है हमारे वर्टिकल आईसी का। अगर हमारा वर्टिकल आईसी यहाँ पर शॉर्ट रहेगा फिर भी हमारा जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज, समझ लो कि ये मान लो कि 12 वोल्ट हो या फिर 24 वोल्ट हो, अगर ये पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ पर शॉर्ट रहेगा तो क्या करेगा ESD, ये जो क्या करेगा कि पूरा वोल्टेज सब बैठा देगा, सेकेंडरी साइड का जो भी वोल्टेज आएगा वो सब बैठा देगा, मतलब कि कम कर देगा वोल्टेज। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल आईसी को ओपन करके एक बार चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि पावर सप्लाई का फॉल्ट है या सेकेंडरी साइड का फॉल्ट है। क्योंकि ये वर्टिकल आईसी, क्योंकि हमने जब टीवी चालू किया था तो हमको लगा था कि वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, तो हमने कैपेसिटर डाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम का सेम रहा। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले वर्टिकल आईसी ओपन करता हूँ, क्योंकि वर्टिकल आईसी अगर शॉर्ट रहेगी या फिर ख़राब रहेगी या फिर इसमें कोई भी लीकेज रहेगा तो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल आईसी को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, वोल्टेज आया तो ठीक है, नहीं तो पावर सप्लाई हम लोग देखने के लिए रेडी आएंगे। तो सिर्फ ओपन ही करना है अपने को, ज़्यादा निकालना नहीं। अगर वोल्टेज आ गए से, अगर इसको ओपन करने के बाद अगर वोल्टेज आ गए तो हमको फिर वर्टिकल आईसी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमको पावर सप्लाई का फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा। चलो ये मेरी वर्टिकल आईसी ओपन हो गई है, अच्छे से ओपन कर देना है, कोई भी लेग उसके अंदर ज्वाइन ना रहे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी इसके अंदर। तो अभी मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज आते हैं या नहीं आते। अब बल्ब पे ध्यान दें, अगर बल्ब अच्छी तरह से ग्लो होने लगा तो समझ लेना कि वोल्टेज आ गए हैं, अगर बल्ब नहीं ग्लो हुआ तो समझ लेना कि वोल्टेज नहीं आएंगे। बल्ब पूरी तरह से मेरा ग्लो हो गया है अभी फिलहाल, तो मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज आ गए रहेंगे। यहाँ पर वोल्टेज आके वापस चले गए हैं, मतलब कि ये प्रोटेक्शन में चला गया है वापस से। तो एक बार वापस से मैं लगा लेता हूँ इसको और देख लेता हूँ क्या रीज़न है। उल्टा कनेक्शन निकाला हूँ। मैंने लगा दिया है, अभी देख लेते हैं वोल्टेज। यहाँ पर 112 वोल्ट आ चुका है, मतलब कि मेरा अभी वोल्टेज सही है, 110 वोल्ट का लोड ले रहा है बल्ब, मेरा 110 वोल्ट का लोड ले रहा है। अभी ये जाएगा प्रोटेक्शन में क्योंकि वर्टिकल सेक्शन क्लोज नहीं है, तो मुझे अभी वहाँ पर वर्टिकल आईसी डालने की ज़रूरत है। एक बार डाल के हम लोग वापस चेक कर लेते हैं कि क्या है। तब तक के लिए फिलहाल मैं वीडियो पॉज करता हूँ, क्योंकि वर्टिकल आईसी डालना है मुझे, तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। तो ये वर्टिकल आईसी निकल गई है, तो इसका नंबर है 78141। तो आईसी का नंबर है 78141, आप देख सकते हो ये आईसी का नंबर है। तो मैं इसको एक्सचेंज चेंज करता हूँ। बिफोर चेंज करने से पहले मैं सबसे पहले वोल्टेज सब चेक कर लेता हूँ यहाँ का, कितना कितना वोल्टेज कौन से पॉइंट पर आ रहा है। मैं बल्ब फिलहाल हटा दिया हूँ, तो चलते हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर माइनस 16 प्लस 16 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 वोल्ट है, यहाँ पर माइनस 17 वोल्ट है, अभी यहाँ पर भी 16-17 वोल्ट है, मतलब कि ये मेरा सही सप्लाई सही है। यहाँ पर ये स्टैंड बाय में गया है इसलिए यहाँ का वोल्टेज कम हो गया है। तो यहाँ का वोल्टेज फिलहाल तो अभी सही है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ऐसे एक बार डाल देता हूँ। अभी आईसी डालने से पहले जो यहाँ पर अभी वोल्टेज सेक्शन ऑन हुआ है, मतलब कि वोल्टेज सेक्शन पे वोल्टेज आया है, तो यहाँ पर शायद से करंट रहेगा, तो मैं इसको पहले डिस्चार्ज करता हूँ इस तरह से। नहीं तो होगा क्या कि आप जैसे आईसी डालोगे वैसे ही करंट अगर जमा रहेगा या स्टोर रहेगा यहाँ पर, तो आईसी शॉर्ट कर देगा। इसीलिए सबसे पहले उसको आपको डिस्चार्ज कर लेना है, कैपेसिटर को जो भी कैपेसिटर चार्ज देंगे उसको आपको डिस्चार्ज कर लेना है इस तरह से। तो ये हो गया, मेरे पास तो 7-7-8-1-4-1 तो नहीं है फिलहाल, तो मेरे पास है कौन सा है 7-8-0-4-5 है, तो इसके यहाँ पे ये भी चल जाएगा। तो मैं इसको एक बार डाल के देख लेता हूँ इसके यहाँ पे, और हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो मैं इसके यहाँ पे इसको पहले निकालता हूँ और इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। इस तरह से निकल गया है, मैं इसके यहाँ पे इसको डाल लगाता हूँ, देखता हूँ क्या है। थोड़ा इसके अंदर मैं हीट सिंक पेस्ट लगा लेता हूँ ताकि हीट आराम से आसानी से शेयर हो जाए। हीट सिंक पेस्ट लगा लेता हूँ, हीट सिंक पेस्ट। ताकि जो हीट है, आपको मालूम है कि वर्टिकल आईसी बहुत तेज हीट होती है लगाने के बाद, इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है। जितना प्रॉपर तरीके से आप टाइट करोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि हीट सिंक प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं रहेगा है आईसी के साथ में, तो क्या होगा कि हीट सही तरीके से शेयर नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट में, इसीलिए आपको उतना ही अच्छे तरीके से इसको टाइट करना है। ऐसे प्रॉब्लम में आप लोग बहुत फंसे रहेंगे मुझे मालूम है, इसीलिए पूरा वीडियो कंप्लीट वर्टिकल सेक्शन के ऊपर डिपेंड है। वर्टिकल सेक्शन का पूरा हिस्से के अंदर बना दिया हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी पीछे साइड से लगाते हैं, इधर सीधा ये हीट सिंक के जो पैड है मैं इसको पहले सबसे पहले साफ कर देता हूँ ताकि हीट सिंक जो है
उसके लेग जो है आसानी से अंदर घुस सकें। ठीक है, तो अभी मैं इसको लगाने के चलता हूँ। इस तरह से आराम से लगाते हैं। यहाँ पर वर्टिकल आईसी है तो इस आईसी के लेग थोड़े टेढ़े हैं तो इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। हीटिंग का पैड भी साफ कर देता हूँ मैं। इस तरह से अभी मैं अच्छे से इसको इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ये प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। पीछे देख लेते हैं कि लेग सही से निकले कि नहीं। यहाँ पर लेग भी अच्छी तरीके से बाहर आ चुके हैं चुका है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, शोल्डर मार देता हूँ वन बाय वन करके। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर ही ख़राब हो और कैपेसिटर ही चेंज करने से हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी आईसी भी गई है। तो मैंने लेग को यहाँ पर शोल्डर कर दिया अच्छी तरह से। थोड़ा इसको थिनर से साफ कर देता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने वर्टिकल आईसी अच्छी तरह से लगा दिया है। यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ शॉर्टिंग देख लेना है आपको, कोई लेग आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो मैं टीवी को ऑन करता अभी देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आया है। स्टैंड बाय रिलीज हुआ, टीवी ऑन हो गया है। अभी देख लेता हूँ क्या हुआ है। हाँ, स्क्रीन सही आ गया है। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं अभी किस तरह से है वोल्टेज यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी 112 वोल्ट परफेक्ट है। वर्टिकल का आउटपुट चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर 18 वोल्ट के आसपास आ रहा है वर्टिकल आउटपुट, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज भी सही है 30 वोल्ट, क्योंकि साउंड आईसी को जाता है 35 वोल्ट। तो यहाँ पर 70, ये मैंने वर्टिकल सेक्शन ग्राउंड यूज किया है। तो वर्टिकल सेक्शन ग्राउंड नहीं यूज करना है मेरे को। तो यहाँ पर नॉर्मल ग्राउंड यूज कर लेना है मुझे इस तरीके से 56 वोल्ट, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 17 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट जो है साउंड आईसी को जा रहा है, ये रेगुलेटर सेक्शन को जा रहा है। ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा वर्टिकल आईसी को जा रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 110 वोल्ट ये जो है। तो टीवी मेरा अभी कंटिन्यू ऑन है, इसीलिए सारे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं अभी। नहीं तो अगर टीवी में कुछ प्रॉब्लम होता तो तुरंत स्टैंड बाई में चला जाता था। एक बार मुझे आपको अभी टीवी को मैं पैक करता हूँ, मतलब कि क्लोज करता हूँ कनेक्शन लगा के, और आपको दिखाता हूँ आउटपुट। अभी मैं टीवी के सारे कनेक्शन जो निकाले थे वो सब लगा देता हूँ अभी मैं लाल के लिए। इस तरीके से लग गया से टीवी सर्किट के अंदर घुस सकता है। हो गया, अभी चलते
अब चलते हैं हम लोग आउटपुट देखने के लिए किस तरह से आउटपुट आउटपुट मतलब कि मेरा पिक्चर आ गया कि नहीं सही तरीके से, वो हमको देखना है। तो मैं टीवी को पलटी करता हूँ थोड़ा, अभी मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। टीवी को ऑन कर दिया हमें, अभी देखते हैं कि कैसा फिगर आता है पिक्चर। अभी इसको लाइट आ गया है, यहाँ पर ई वी वन लिख के भी आ गया है, तो अभी मैं इसको सिग्नल देता हूँ। सिग्नल देने से पहले टीवी का आवाज़ तो देख सकते हो कि पिक्चर एकदम क्लियर आ चुका है, तो पिक्चर में कुछ खराबी नहीं है, पिक्चर एकदम क्लियर आ चुका है। तो इस समय आपने देखा कि इसमें कितने फॉल्ट थे, सबसे पहले कि सब कैपेसिटर हो गए थे, कैपेसिटर मैंने चेंज किया तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड के जो हो कम हो गए, मतलब कि जो कि 110 वोल्ट आना चाहिए था वो 19 वोल्ट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि पावर सप्लाई का फॉल्ट है। लेकिन हमने क्या स्टार्टिंग में क्या देखा था कि वर्टिकल लाइन एच लाइन आके टीवी बंद हो रहा था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वर्टिकल आईसी ओपन कर दिया ताकि कंफर्म हो जाए कि वर्टिकल आईसी सही है ख़राब हो गई है। तो वर्टिकल आईसी मैंने ओपन किया तो वैसे ही सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 19 वोल्ट अरे 110 वोल्ट आके बंद हो गया, मतलब स्टैंड बाय में जा रहे थे। इसका मतलब कि प्रॉब्लम कन्फर्म हो गया कि वर्टिकल आईसी ख़राब है, क्योंकि वो स्टैंड बाय जाने का मतलब यही है कि वो कुछ सेकेंड तक चेक करता है कि सारे सिग्नल प्रॉपर तरीके से आ गए कि नहीं। अगर वो सिग्नल प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे तो टीवी मेरा स्टैंड बाय मोड में वापस चला जाएगा। तो वो वहाँ पर वो कंडीशन था, इसीलिए टीवी स्टैंड बाई में जा रहा था। तो मैंने वर्टिकल आईसी डाल दिया, अभी आप देख सकते हैं टीवी कंटिन्यू मेरा ऑन है। तो मतलब कि मेरे आईसी को जो क्रोमा आईसी उसको सारे वोल्टेज सही तरीके से मिल रहे हैं, इसीलिए हमारा टीवी कंटिन्यू ऑन है। अगर उसमें से कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा तो टीवी मेरा स्टैंड बाई मोड में जाएगा, मतलब कि प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। इसके अंदर अभी आजकल के जो टीवी आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज कर दिया है, इसलिए जो है टीवी अगर इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, जैसे मतलब कि बिना पिक्चर ट्यूब का चेक कर रहा था, तो आप देख रहे थे चालू होके टीवी स्टैंड बाय में जाता था, मतलब एलईडी जो है ब्लिंक करती थी। तो उस समय कंडीशन था क्या था, उसके जो पिक्चर ट्यूब से जो सेंसिंग आता है हमारे आईसी को जाता है कि पिक्चर प्रॉपर तरीके से आ रहा है या फिर हमारा जो वोल्टेज सही तरीके से खर्च हो रहा है, तो क्या करता है सिस्टम को ऑन रखता है। अगर वो सब वोल्टेज सही तरीके से नहीं करेंगे खर्च होंगे या वर्टिकल आईसी पे लोड नहीं पड़ेगा, एसटी पे लोड नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप ऐसे फॉल्ट में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमेशा आप सोचते हो कि क्या करें क्या करें, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काफ़ी आराम से काम करिए, टेंशन मत लीजिए, काम तो जो आपका प्रॉब्लम हो तो सॉल्व होना ही है, आज नहीं तो कल सॉल्व होना ही है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे फॉल्ट आपको जानने के मिलेंगे यहाँ पर फ्री में। ठीक है, चलो गुड बाय।